सब्सक्राइब कीजिए डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाए बेल आइकॉन ताकि आप भी देख सके डीटीएच के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। स्वागत है डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आपके स्मार्टफोन में टच पैड काम नहीं कर रही हो या अपने स्मार्टफोन में आप विंडो की तरह यूज करना चाहते हो, अपने स्मार्टफोन में माउस कीबोर्ड या पेन ड्राइव चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा इम्पोर्टेंट डेटा हमारे मोबाइल में रहता है, जैसे कि ईमेल हो, कॉन्टेक्ट हो, फोटो हो या गूगल ड्राइव, कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा मोबाइल में रहता है। तो कई बार क्या होता है कि मोबाइल में टच पैड खराब हो जाता है कोई कारण से, तो ऐसे टाइम पे हमारा काम रुक जाता है। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी, ऐसे टाइम पे आपका काम रुकेगा नहीं, आप माउस से अपना मोबाइल विंडो की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो ऐसा ओटीजी केबल चाहिए। ये ओटीजी केबल है और ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। कंप्यूटर एक्सेसरी दुकान पे जाइए आप, वहाँ से आपको 30 या 40 रुपये में मिल जाएगा। तो इससे आप क्या होगा कि आप कोई भी माउस हो, यूएसबी माउस हो या ब्लूटूथ माउस हो, आप इससे कनेक्ट करके अपना मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये यूएसबी माउस है, तो वो मैं आपको मोबाइल में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ये है ब्लूटूथ माउस, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल में और मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो, और साथ में आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में और कोई भी काम फास्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यूएसबी माउस ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको यूएसबी माउस ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको ये ओटीजी केबल का एक पोर्ट जो मोबाइल में होता है चार्जिंग का पोर्ट, इसमें डाल देना है। तो यहाँ हमने डाल दिया। फिर दूसरा जो यूएसबी फीमेल पिन है वहाँ पे आपको यूएसबी माउस डाल देना है, तो हम डाल देते हैं। और यहाँ देखिए, आप यहाँ ये डालेंगे तो यहाँ लाइट जलेगी, लाइट आ जाएगी, तो हम ये डाल रहे हैं, डाल दिया। देखिए यहाँ पे लाइट आ गई, यानी हमारा माउस मोबाइल से कनेक्ट हो गया और मोबाइल में एरो भी आ गया। देखिए एरो दिख रहा है, तो आप माउस से अपना मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लूटूथ माउस है तो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्लूटूथ माउस से अपना मोबाइल कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको जो ब्लूटूथ डोंगल है वो यूएसबी पोर्ट में डाल देना है। ब्लूटूथ डोंगल है आपको ये यूएसबी पोर्ट में डालना है। फिर ये माउस है, इसमें एक स्विच आती है ऑन ऑफ की, तो अब हम ये माउस ऑन करते हैं। तो ये ऑन कर दिया, लाइट आ गई। देखिए लाइट आ गई। अब यहाँ मोबाइल में एक एरो भी आ गया है, तो आप ये यूएसबी माउस ब्लूटूथ माउस से अपना मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो और कोई भी काम कर सकते हो और अपना मोबाइल में विंडो की तरह काम कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको कीबोर्ड भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा कीबोर्ड कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं कुछ टाइपिंग करके भी दिखाऊंगा। इसके लिए कीबोर्ड का जो यूएसबी पोर्ट है वो आपको कनेक्ट कर लेना है। फिर मैं मैसेज ओपन करता हूँ। कोई भी टाइप कर सकते हैं और बड़ी आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं मेरी चैनल का नाम लिख रहा हूँ। बहुत फास्ट काम होता है और नंबर की भी काम करती है। ओके, इस तरह आप अपने मोबाइल में माउस कीबोर्ड या
पेन ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पेन ड्राइव में कोई मूवी है तो आप OTG केबल से कनेक्ट करके सारे का सारा फंक्शन अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ रेड बटन होगा वीडियो के नीचे वो प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।